अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइफ लाइन जो स्पेशल ईद शो सां गॾु मां तव्हां जो मेज़बान डॉक्टर वाहिद बिशमौर। सभ खां पहिरीं मुंहिंजी तरफ़ां अवां सभिनी खे ईद मुबारक। जॾहिं ईद जो ॾींहुं हूंदो आहे त असां सभई ख़ुशी मल्हाईंदा आहियूं ऐं रमज़ान जा रोज़ा रखियासीं, रोज़नि खां पोइ ईद ज़रूरी आहे। त अॼु ईद जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं कुझु तव्हांजी सिहत जी ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, कुझु खाधनि पीतनि जी ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं कुझु वरी ईद जी ख़ुशियुनि जी बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। त ईद कहिड़े नमूने जेको सो असांखे गुज़ारणु घुरिजे या मल्हाइणु घुरिजे, कहिड़नि वटि हली वञणु घुरिजे, कहिड़ा असां वटि ईंदा, पंहिंजे वालदीन जो ख़िदमत कीअं कजे, ॿारनि सां कीअं ईद गुज़ारिजे, पाड़े वारनि सां कीअं ईद गुज़ारिजे, कंहिंजा हक़ असां ते वधीक आहिनि। अहिड़े तरीक़े सां असांखे ईद जे अंदरि ख़ुशियुनि सां गॾोगॾु हिक ॿियनि जा जेको एहतराम इज़त आहे उनखे बरक़रार रखिणो आहे, हिक ॿिए जे हक़नि जो बि ख़्यालु रखिणो आहे। त असां ईद जे हवाले सां तव्हां सां डिस्कस कंदासीं। कुझु खाधनि पीतनि जे बारे में बि ज़रूरु ज़िक्र थींदो, छो त ईद जे ॾींहुं खाधो पीतो तमामु ज़रूरी आहे। उन सां गॾोगॾु कुझु मरीज़ हूंदा आहिनि जेके ईद जे ॾींहनि में या ख़ुशी जे ॾींहनि में पंहिंजी दवाउनि खे विसारे छॾींदा आहिनि, उन्हनि खे बि यादि ॾियारींदासीं त पंहिंजूं दवाऊं जेके से यादि रखनि ऐं खाधे पीते सां गॾु गॾु दवाउनि खे बि जारी रखनि। छो त चवंदा आहिनि त तंदुरुस्ती हज़ार नेमत आहे, जेकॾहिं सिहत आहे त ख़ुशियूं बि आहिनि त ईद बि आहे। ऐं अॼु असां सां गॾु ईद जे हवाले सां महिमान आहे, जेके असां हिन ॾियारे ते हिते घुरायो, उहो आहे डॉक्टर कुलसुम लाशारी, जेके असां सां गॾु हिते आहिनि ऐं साइकेट्रिस्ट आहिनि जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर कराची में। डॉक्टर साहिब खां पुछंदासीं, हूअं त जनरल फिज़िशियंस मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा डायबिटोलॉजिस्ट बि ईंदा आहिनि, उहे बि मुख़्तलिफ़ ॻाल्हियूं कंदा आहिनि त खाधा कीअं खाइजनि था, पर असां चवंदासीं त उहे माण्हू जेके माण्हू डिप्रेशन में आहिनि, जेके माण्हू मायूस आहिनि, जेके माण्हू अहिड़ियुनि गैदरिंग में नथा वञनि या प्रोग्राम में नथा वञनि, उन्हनि खे बि असां पाण सां गॾु शामिलु करियूं। इन बारे में डॉक्टर साहिब खां पुछंदासीं त जेके ज़हनी मर्ज़नि में मुतल माण्हुनि, उन्हनि खे असां पंहिंजी ख़ुशियुनि में कीअं शामिलु करियूं। त मुंहिंजी तरफ़ां मां ईद मुबारक, मुंहिंजी सॼी टीम सिन टी वी जी तरफ़ां बि तव्हां सभिनी खे ईद मुबारक, मुंहिंजो महिमान मूंसां गॾु आहे उनखे भलीकार चऊं था। डॉक्टर साहिब अस्सलाम वालेकुम। मुंहिंजी तरफ़ां तव्हांखे ईद मुबारक डॉक्टर कुलसुम। ऐं डॉक्टर साहिब, ईद जो ॾींहुं आहे, वॾी महिरबानी तव्हां असां वटि हिते आहियो। ऐं उहो बि जेको असां ॻाल्हि कंदा त ईद जी जेका हिकिड़ो ख़ुशी जो त्योहारु आहे मुस्लमाननि लाइ, सॼे साल में ॿ ईदियूं थींदियूं आहिनि, हिकु त्योहारु रोज़नि खां पोइ ॿी ईद रोज़ा, त ईद जे हवाले सां तव्हां छा चवंदव, कीअं मल्हाइजे ईद? जीअं तव्हांखे बि ख़बर आहे असां सभु मुस्लमाननि खे, त हिननि ॾींहनि में ई असां पंहिंजे हुन हर ग़मी खे ऐं जेको उहे इख़्तिलाफ़ात आहिनि जेके बि हूंदा आहिनि ख़ानदान में, मसाला मसाइल हूंदा आहिनि, उन सभिनीनि खे या आड़े पाड़े सां गॾु हुनखे विसारे माण्हू वरी मिली वेंदा आहिनि। इहो उहो मौक़ो आहे जंहिंमें वापसि इंसानु हिकिड़े मेल जोल जी तरफ़ ईंदो आहे। त असांखे खपे त जेके माण्हू हिन वक़्तु कुझु मसाइल में आहिनि, जीअं त हर फैमिली में कोई न कोई मसइलो आहे, त उन्हनि खे ज़रूरु यादि रखूं। जिन्हनि वक़्तु हिन वक़्तु कोई मसाइल दरपेश आया आहिनि, उन्हनि खे घणो ज़रूरु यादि रखिजे, छो त जेके माण्हू मसाइल मां गुज़रंदा आहिनि त उन्हनि खे जॾहिं यादि न कयो वेंदो आहे हू घणा परेशान थींदा, पोइ वरी हू मुख़्तलिफ़ क़िस्म जी बीमारियुनि जी सबब थी वेंदी आहे। ऐं ॿियो ही त हिन क़िस्म जा माण्हू वरी ॿियो माशरे खां अलॻि थी ईंदा आहिनि, त ईद जो ॾींहुं हुयो, वॾो सॼो ॾींहुं हुयो, उन्हनि असांखे यादि न कयो। त जंहिं सां बि जंहिंजो कोई इख़्तिलाफ़ु आहे त उहो हिन ॾींहुं जे ॾींहुं जेको आहे पंहिंजो ख़तमु करे छॾे त घणो बहितरु आहे, सुठो हिकिड़ी सुठी ओपनिंग थी वेंदी आहे रिलेशन जी। हा बिल्कुलु ज़रूरी आहे, छो त ईद ॾींहुं ख़ुशियुनि जी ॻाल्हि आहे, त ॻाल्हि बि ख़ुशी जी कजे, ग़म जी ॻाल्हि न कजे ऐं अॻिते अचे। अच्छा, कुझु माण्हू अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके जॾहिं त्योहार हूंदा आहिनि, या मां बि ॾिठा आहिनि, मां थोरो उन तरफ़ ईंदुसि, पोइ वरी ईंदुसि त खाधा पीता कहिड़ा इस्तेमालु कजनि या दवाउनि खे कीअं इस्तेमालु, त उहे हमेशह त्योहारनि में या गैदरिंग खां थोरो अलॻि रहंदा आहिनि, मार्केटुनि में घटि वेंदा आहिनि या मिलण जुलण खे घटि पसंदि कंदा आहिनि। छा इहा बि का डिप्रेशन आहे, का बीमारी आहे, या इन माण्हुनि जी नेचर ई आहे? न, असल में ही हूंदो आहे त कुझु माण्हू जेके हूंदा आहिनि जेके जिन्हनि में सोशली इनफीरियोरिटी जंहिंखे चइजे, त हू छा हूंदा आहिनि त माशरे में पंहिंजे पाण खे हिन लाइ ज़ाहिर न कंदा आहिनि त हू सम्झंदा आहिनि त असां घटि आहियूं, इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स चइजे, या सेल्फ इस्टीम उन्हनि जी मज़बूत न हूंदी आहे। त उन्हनि माण्हुनि में ही आहे त हू कोशिशि कनि त हिननि ॾींहनि में वधि माण्हुनि सां मिलनि जुल कनि, छो त हिन सां छा थींदो त हुननि जो जेको पंहिंजो इनफीरियोरिटी जो आहे उहो घटि थी वेंदो। ॿियो हीअ त हिकिड़ी इलनेस हूंदी आहे या बीमारी जंहिंखे चइबो आहे, जंहिंखे सोशल फोबिया चवंदा आहिनि, जंहिंमें माण्हू जेको आहे क्राउड ऐं अहिड़ी जॻहियुनि सां वञण खां बचंदा आहिनि त असांखे न ई वञिणो, हुते माण्हू घणा हूंदा, रश घणी हूंदी। त जेके माण्हू हिन क़िस्म जी इलनेस में आहिनि या सम्झनि था त असां क्राउड खे बर्दाश्त नथा करे सघूं, त हू कोशिशि कनि त हिननि ॾींहनि में माण्हुनि जे घर घणो अचणु वञणु शुरू कनि, छो त हुन सां छा थींदो आहे त हिकिड़ो इलनेस जो मतिलबु हिन बीमारी जो इलाजु आहे जंहिंखे डीसेंसिटाइज़ेशन चवंदा आहिनि, हू जेतिरा माण्हुनि जे अंदरि ईंदा वेंदा उन्हनि जो एतिरो फेयर ख़तमु थींदो, ख़ौफ़ ख़तमु थींदो, उन्हनि जे लाइ हिकिड़ो बहितरु मौक़ो आहे। ईअं त असां कंहिंजे घर वञण जे लाइ कोई रीज़न ॻोल्हींदा आहियूं न, त ईद जे लाइ त सभिनीनि जो घर खुलियलु हूंदो आहे, त जेको अचणु चाहे दुश्मन हुजे दोस्त हुजे सभु अची वञी सघनि था, त हिन मौक़े ते हू चङी तरीक़े सां पंहिंजे पाण खे डील करे सघनि था। अच्छा, ॾाढा सभु इस्लाम में बराबरी आहे, न को अमीर न ग़रीब, सभु बराबरि आहिनि।
ईद जी भी खुशी सभी लाइन गरीबन ला भी अमीरन ला भी वन ला भी सब लड़ी खुशी है उनके बावजूद भी असे माशरे में फर्क था रखो ये वा ये नंडा ये ऑफिसर ये गरीब ये छो था क्यों जैसे इस्लाम में सब बराबर है असल में ही या केड़ी असन जहनी सोच आ क्लास जो आ ची वियो आ शायद यो चाहिए बाकी ही है त मा ही डठो आ त जेके एजुकेटेड आन या जेके पढ़े लिखल मानु आन या खानदानी जेके चाहिए वे मानु आन हो इनन शेन के कोन मैटर रखंदान कुछ मानु एड़ा भी आन जेके मतलब अस चवनाऊ त बडा मानु ही डिफरेंस रखंदान ये ना है त जेके लोअर क्लास मानु आन उहे भी पान खा हेठ वारन के डाडो बुरो समझंदान तो ही असा अपर क्लास वालन जलाए तो नहीं था चाहिए सको ना तो हु ही रखंदान मां ही डठो अक्सर जी के अपर क्लास वारा हुंदान हु कोशिश कंदान तो हु जेत्रो देई सगन लोअर क्लास से मानन के हु देई दींदा भी आहन कोशिश कंदान तो हर मानु जी पांजी एकड़ी सोच ता समझता त अमीर या गरीब जी गाल ना पर मानु जी सोच सोच पांजी सोच सा बी के घट समझे तो इस्लाम त इन सोच के बिल्कुल खत्म कर छियो ना जरे असा त पो या सोच खत्म थन गुरजे असा ही तहां करे सकूं तान पर दुनिया के असा न था चई सकूं हर मानु पांजी सोच जे लिहाज आज कल हले तो पियो आई जने ता हुन जी सोच के ट्रिक कना हो ना तो पोई हुन वक्त हुन जा सबड़न का वाला दुश्मन तहां थी वेदा हो आजकल माशरो ही है ना ता तहां के जी सोच के बदली न था सको हां ही आए त ही साइंटिफिकली भी ही आए त तहां के अगर के डील करनो आ तो बाबा कोई एड़ो इंसान ता जे सामू आ है एड़ी मिसाल आ है ता हुन के न चो पर ही तहां रोल मॉडलिंग अदा करे दिखारियो उनके सामू तीन किस्म जो रवैयो इख्तियार कर तो उनके पान फील थे ना मुख्य भी ही सब कुछ करण छो तो अस डायरेक्टली तो कें ना चई सको ना तो ये हूँ अजकल औलाद न थी मने माँ पी जो चवण तो बियो कोई तो कोई कदी भी कोन हां बिल्कुल ये गाल सही है औलाद भी मां भी जो चवण न थी वने ए कदे कदे औलाद जो चवण मां भी न था वठन ए इने करे वाकई ज़हनी तौर ते डिप्रेशन भी थे तो इख्तलाफ पैदा थन था जे के अगते हली करे सजे घर के जो को सो परेशानी में मुब्तला कन था ये गाल सही है ता जी न मतलब इने मतलब है त जे वालिदैन जे ता चो तो वालिदैन एड़ा रोल मॉडल ना जे बार उन के दिसी उन जी जो को सो पैरवी कन ये ना है वालिदैन सही न था कम कर दिसो आजकल वालिदैन पंजो मां से माती त 100% देन था ठीक है पर जिके यंगेस्ट आयन या यंगर आयन या बार आयन जिके नौजवान जिके इहे घणो फॉलो कनान टीवी आई मॉडल्स के बाहर के जिके बाहर के हुनन के उनन जो पी अगर नमाज तो पढ़े उनन जी मां नमाज थी पढ़े उनन के उहा शेत्री अट्रैक्ट कोन कंदी जो उनन जी अगर के फ्रेंड जी फादर या मदर ड्रिंक कंदी या तो हो जो तो उनन जे लिहाज में हो एकड़ी मॉड फैमिली के बिलोंग था कन आजकल थिंकिंग मतलब इन सोच के अच्छा इन इन सोच के अच्छा डॉक्टर साहब ईद जे जरे डियाड़ो हुंदा जने ईद जी गाल कंदा आयो खादन पीतन में अस 30 दिन रोजा रखिया खादा पीता भी मुख्तसर होया एकड़ो टाइम शेड्यूल अस जो ठयलो मतलब इफ्तारी कयो वरी सहर कयो विच में कुछ ना खानो हाने फौरन रोजा खत्म थिया ईद जो दिन शुरू थियो त केतरो खान गुजे तमाम घणो असल में चाहे तो वट रहा जो भी शो होंगी एक्सेस थी वे तो खतरनाक थी वी ना तुम पान भी डॉक्टर आयो तो सोची समझा तो जी श मिकदार में घड़ी थी वी अगर नमक है मानी में या सालन में वो अगर थी वो तो उनके बाद उनको टेस्ट खराब थी या खंड है तो वह अगर चाह में घड़ी थी वी तो उनके बाद उनको मजो खराब थी वो तो हर शे के पाँच लिहाज से जी जी हले थी पी स्पेशली रोजन के बाद ही ख्याल करना घुर्ज छो तो अस मैदे के या जो स्टमक है वो खाली रहने को आदी होंगे हाँ रेस्ट तो उनके एकदम से लोड ना दियो ठीक तहां भली खाओ ईद जा डी है इनमें जहर खाणो है इनमें स्वीट्स जो है ईद में घणो इस्तेमाल हुंदो आ मिठाई जिथे में तो खीर इन किस्म जो सेवियों वगैरह तो उनमें जो डायबिटिक आहन या शुगर जा मरीज आहन उहे मेहरबानी करे थोड़ो लिहाज कन या उनन जे लाए जो शुगर फ्री शयूं हुंदियूं आहन उहे माण्हू घर में रखन तो वो उनन जी सेहत जे लाए बेहतर आ ई भी एकड़ी गैदरिंग जे लाए भी बेहतर आ तो परहेज तो घट ही कयो वेंदो आ बिल्कुल रेस्ट में एकदम से हैवी शे डैमेज कर म्यूकोसा के डैमेज कर उनके सेल के डैमेज कर सी अक्सर मानू जो होंगे नशो भी इस्तेमाल कंदान तो वह कंदान ईद के बाद फौरन उनके हैवी मिकदार में जो मतलब रमजान के दिन में रोजा रखा तो यूज न कंदा तो उनके स्पेशली इन गाल ख्याल रखो आ हैवी डोज न है वी या प्रीवियस जो डोज वन था पाया जी मतलब रमजान का पैं नशे की मिकदार इस्तेमाल कंदा हुआ रमजान में उन्होंने छदे दिनी
तो हाने ईद में उन्ही मिकदार के वापस इस्तेमाल न कन छो तो खतरनाक थी मतलब ताजे चोणा डॉक्टर साहब तो खादन पीतन में एहतियात तमाम जरूरी है खाओ जरूर पर थोरो खाओ इतरो वधिक न खाओ इतरी ओवर ईटिंग न थे जको बीमारी हो सबब थे माने खुशू खराब थी वने जेकर मानो बीमार थियो तो अस्पताल में दो सब घरवारा परेशान ईद जे दिन में घणा एडमिशन थींदान हां घणा एडमिशन थान तो माने सजी खुशी ताजी खराब थी पर आम मानो ने छे के असा जको मान उठो तो कोन समझंदा में ठीक है अजी ईद जे हवाले सा चाउन पंज मिटन माइटन दे बनबो के असा वडींदा जार पंज जगह जे तामी दो तो कुछ कुछ खाएं तो जरूर तो वो खादे जो मकदार वो तो वधी तो वने न तो वही हाने जी ऐसा पहली डिस्कस कयो से त असा के जहर जदे भी कह सा मिलन वनु था तो होते जहर सर्विंग तो हुंदी या जरूर ता कह जे घर ता बगर खाए अची भी न था सको भली ता एकरो सिप वठो एकड़ी बाइट वठो थोड़ो पीस वठो जरूरी न है ता अगर हो ता के पूरो कप या एकड़ी प्लेट भरे ता रेंदा पूरी प्लेट ही खाली करे जो ये भी चयो वो फूड ईटिंग जो पैटर्न है तो तुम कोशिश कर जिते फूड मौजूद है खाधो मौजूद है उतने न खाओ पास से बी जगह वे ही खाओ ताकि ओवर ईटिंग की तरफ न वो प्लेट में भी साइज प्लेट जो निंडो होजन खपे तो उनमें घट मिकदार में खाधो हों तो घट यूज कौ वड़ी वड़ी प्लेट्स जी आन वो भरजी वो तो उनमें घड़ो खाधो इंदो घो खाएबो ये सब ईटिंग जो पैटर्न हों तो जैसे मानी खाणी आ तो प्लेट निंडी यूज करनी है ठीक है उनके बाद उनमें हिस्सों छड़नो ताकि पेट भी फुल न थे मतलब थोड़ा उनके भी स्पेस हो ताकि वो अगते वही कें मेहमान के घर तुम वो तो उतने वही अच्छा डॉक्टर साहब थोड़ो इन पाते अजा वा मतलब यो तो है जी आईटी अल्सर है या गैस्ट्राइटिस मुख्तलिफ़ किस्म जो बीमारी तो वे अजा खराब थी जिन के लिए तुम दवा वो था पर अस ब खास मरीज घर में हर वक्त मौजूद शुगर जो ब्लड प्रेशर जो ये मरीज तकरीब में मिलंदा है जिनकी टेबल डिजीज मन या तो शुगर के कंट्रोल किया या ब्लड प्रेशर के कंट्रोल अड़ा मरीज ईद के ढीन में मन कंट्रोल न कर या तो दवा छड़ी दींदा चलो अज हाँ ईद ऐसी ना खाऊँ सुबह वा मिठो भी घणो खाई वह नीमक वाली शूं भी खी वन कड़ी तकलीफ थी ऐसो डॉक्टर साहब जो डायबिटिक तो कॉम्प्लिकेशन तक भी खबर आ तो उनको अक्सर इन मसला तमाम घना डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कंडीशन में हॉस्पिटलाइज एमरजेंसी कंडीशन है तो अस वही इतने भी अच्छे यही गाल चवंदासूं तो एक तो मेडिसिन के वक्त से वठन सही है बो ही तो अगर वो शुगर जो कोई शे वठन मिठी वठन था पाया तो उनमें वो शुगर फ्री जी शन अजकल डायबिटिक मानों के लिए तो जे उनके इन्वाइट भी कन था तो इन सारा सब के खबर होंगी तो केर कें शे जो मरीज है मिट माइटन के अक्सर खबर होंगे तो इन किस्म जो शूं यूज कन ताकि उनके लिए मसला दरपेश न अचन ठीक है ना शुगर जो घट इस्तेमाल ये भी चवन तो वाइट जो सॉल्ट है शुगर है ये दुश्मन भाई बिल्कुल सही तो इन जो जितो घट यूज हों तो असाने लाए भी सुठो आ उन पेशेंट के लिए भी सुठो आ तो उनके मतलब एक तो असें भी ख्याल रखना घुर्जे जे अस इन्वाइट क्यों था पाया जी अचन था पाया उन ख्याल रखना खे तो इन वक्त के इलनेस में हली रहा है मतलब यो अस गाल था अक्सर खुशी के ढीन में या ईद के ढीन में अस मरीज हों दवा विसारे छा इन जरूर गाल जैसे वो विसारे छा तो उनके कड़ी तकलीफ थी या नजरअंदाज क्या तो अज ना खाऊँ चलो हाँ बिन टन ढीन का खाई शुगर जो मर्ज है या ब्लड प्रेशर है तो उन दौरान जो वो वी तो वे वो अनकंट्रोल थी तो वे तो वो मुख्तलिफ जो सो कॉम्प्लिकेशन सबब थे तो डॉक्टर साहब वक्त नए वक्त जो नाजरन वो नो वेलकम बैक नाजरन अच्छे गल सिलसिलो बीहर पे मेहमान से शुरू कर अच्छा डॉक्टर कुलसुम जो असल बोल हली पी हाँ इनमें एक गाल अजा तो मुझे एक पेश रहे तो मूँ जो नजरअंदाज क्यों था लापरवाही क्यों था इन खुशी के ढीन में तो जो लापरवाही है खादन में लापरवाही कईसी दवा छड़ी दीसी वो नरती डोज सही न वरतोसी जो मिठाणों खाई वासी एक टेबलेट के बजाय ब खाई छड़ी ये जो शूं ये असि सेहत ला केतरों हानिकार है डॉक्टर साहब दो चार शय ये मिली हुई वन बाय वन मुखे बतायो दिसो मेडिसिन ही है तो अगर जो शुगर जो मरीज है हाँ। तो उन जी शुगर कंट्रोल में निकरी वई तो जो असा हाने बुधायो से तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में वनी सके तो रीनल फेलियर में वनी सके तो न्यूरोपैथी अखियन जो मसलो उन जो थी विंदो आ ए बियो ही तो जदे हनन के अचानक डायबिटिक कीटोएसिडोसिस थींदी आ तो पोए हन ईद जे दिन में स्टाफ भी घट हुंदो आ हॉस्पिटल्स में मथा ही तो एक्सीडेंट जहाँ केसिस भी काफ़ी हूँ बी एमरजेंसी काफ़ी होंद केयर न मिली सी पेशेंट के फाइनली खुदा ना खासा वो लॉस थी सके तो एक मैच्योर मानू मतलब मैच्योर मानू हो
पान हर शेख के दिसी रहे हो जे हुन तकलीफ में गुजरी रहे हो जे तो उनके स्पेशली पांजी हिन मेडिसिन जो आई केयर जो रखनो आ त बाबा मके ही मेडी ही शे हुन ही खाणियो मतलब सही आ ईद है पर ईद जो मतलब ही ना है त तहां पान के या पांजी सेहत के नुकसान कर नुकसान दियो या पांजी फैमिली के तकलीफ दियो ईद खुशी जो मौका आ खुशी दियो त घणो बेहतर आ ये नहीं होता जी खुशी के बरकरार रखो ठीक है जी डिश तहां जी सजे घर जे लाए मसलो थी मसलो थी पे अब मतलब या दवान के नजरअंदाज नजरअंदाज ना है बिल्कुल जेको भी डॉक्टर जी हिदायत के मुताबिक उनन के अच्छा दस खुशियां आइन असा के असा बियन के जेके मानो असा उनन के किए शामिल करें पाजे खुशियां के गरीब आए को दुख में आए को नाराज आए तो उनके किए पार संग शामिल करियो केड़े तरीके से असा सभी के खुशियां में शामिल करियो असल में ही है तो डॉक्टर साहब जेके असा या तहां जो भी आए उनन में ही आए तो पहल करण में कोई भी न होदो आ त पहली मां अच्छा पहल छो न था कर छ असा अन्ना जे का वो भी एकड़ी बीमारी आ ता सा के अन्ना भी एकड़ी बीमारी आ अन्ना बीमारी ना पर्सनालिटी जो हिस्सो चाहिए जे असा शख्सियत होदी ना हर इंसान हाँ। कुछ मानो ही होदा सबनी में छो हर कुछ तो मां पहल छोकरे मां छो वजा मां छो माफी उठा मां छो माजरत के तो यो खत्म करण गुरजे ना सा सबने सोचन कबे ते इने में ही आए तो देसो अगर जे मानो के इनसाइड होदी इनसाइड मतलब जे के पांजो जमीर चमदो तो बाबा ना ही तुंजी शे गलत आ ठीक है ना हु जरूर पहल कंदो सही उनके ही फे कोन तो मैटर रखे तो बाबा मां हने के अगर सॉरी चवा तो या मां हने दे वणा तो मिलन जे लाए तो ही मुजे हटाई हुंदी या ही पंज पान के कुछ घणो समझंदो इ कोन हुंदो असल में ही आए तो जदे असा पान के हेठ करे के बेडे वणू था हुन वक्त असा अल्लाह जी नजर में बुलंद थी विंदा बुलंद थी तानो सही ठीक है अल्लाह हमेशा ही चयो तो कदे भी के के कमतरता न कयो कट न समझो सही आ हमेशा जिका भी इख्तलाफात है उनमें पहल तहांजी हुजन खपे सही है ना जिको मानू ही चाहन था तो जी काफी रिलेशन अड़ा हुंदा आन जिके सदियन सा खराब हुंदा आन उनके काफी अरसो थी सालन साल गुजरींदा तो कोशिश कजे तो ईद जे डी में भली तहां थोड़ी देर जे लाए सही उनन दे बनो थी सके तो हु भी तहां जो वेट कंदा हुजन तो ही अचन असाने सही अक्सर ही हुंदा ना तो वही पहल वालो ही सो हुंदा तो पहल में कोई इंदो कोने तो अगर असा पान हल्या था वनु तो सुठो आ है थी सके तो हुन में जेके रिलेशन इतरे अरसे खा खराब आयन वो बेहतर थी वजन वो बेहतर थी वजन माने नफरत तू घट दियो मोहब्बत तू बदल बदलियो ये थी नो ना जी जी फैमिली दे ता आली ता वने तो उन में खोड़ मानु सोचिंदा त ना हाने तो बेहतरी थी एकड़ी उम्मीद जाहिर थी अच्छा के वरी वही सवाल आयो यो तो वरी अनपर सी जरे जिक्र आयो तने बाद तो सबनी के शामिल किए के जे को तरीका आयन जी दिसो ना एकड़ो अगर खानदान में तहां जा मसائل आयन त तहां एकड़ी डिनर या लंच अरेंज कयो जे में सबन के इनवाइट कयो ठीक है ना बाय कार्ड ही तहां कयो भली कॉल करे कयो तो ही हुंदो तहां जो मैसेज तो हलियो वे न उन वट भली हो तहां वट न अचन पर उनन जे दिल में दिमाग में इहा गाल हुंदी तो इनन असा के दावत दिनी हुई तो थी सके तो अगली जेका तहां जी दूजे हुन में हो तहां वट पान अची वनन सही यो भी एकड़ो रास्तो आ ना तहां स्टेप बाय स्टेप मतलब खुशियन में सबनी के शामिल करण जे लाए असा के अनाबर सी छरणी पदी कोशिश ही कजे तो जेके रिलेटिव एड़ा ने या दोस्त अहबाब एड़ा ने जेके नाराज आहेन उनन के असा इनवाइट भी कयो वो कौन आया तो कोई अक्सर छा थिंदो आ त असा वेठा हुंदा हूं गैदरिंग में जने सब गड वेठा हुंदा हूं तो चवंदा यार मां उन के सड कयो उन तो मुजी बेइज्जती करे छडी हो तो पाजी अना में वेठो आ आई आयो कौन तो हन गाल के तो होते वापस डिस्कस ना है करनो कोशिश ही कजे तो होते पॉजिटिव व्यूज पाजा दीजन तो बाबा मां तो पांजी तरफा उन के घुरायो हो आई मुजी नियत ही हुई त असा वापस गड थी वनु तो जेके मानो के ताई मैसेज दिंदा हो ना वो हुन के डिफरेंट वे में वनी हुन के पेश कर वो अन्या वरी खराब थी विंदो अन्या खराब थी विंदो तो कोशिश कयो तो हुन जे लाई को पॉजिटिव वर्ड्स चयो त जेको कल को हुन के ही गाल फील थे त मां गलत कयो ये नंडी नंडी शयुन के जे के असा कंट्रोल कयो त खुशियों असा जो वदन थी विंदी मुजे ख्याल में जेके दुख वाली गालियन ओए घटन जी इनके चवंदा ना तो पॉजिटिव तहां के वठणो आ पॉजिटिव रीअप्रेजल चवंदा ना तो जेका भी शय जे चवंदा ना हर शय में अल्लाह जी रजा है बिल्कुल सही आ तो मां ही भी चवांदी एकड़ो असन सगर के मुझे सीनियर के डिस्कस कयो उनन चयो तो डिवोर्स एकड़ो मानो तो दे चवंदा ना इन में अल्लाह जी रजा है यो छा रजा है तो मां भी उनन के जो मचो अल्लाह करे भी कोन तो चे तो तहां के कोई तकलीफ या असन जी सोच आ मुझे ख्याल या इंसान जी सोच आ इंसान जी सोच अच्छा डॉक्टर साहब जी के मानो दुख में आइन के न के तरी हर घर में मसला आइन प्रॉब्लम आइन ओ जी के दुख में के हवाले सा कारण के तकलीफ आ घर में तो वो डिप्रेशन में हल्या वंदा ता साइकेट्रिस्ट आयो ता खबर आ या मतलब वो कोई ते हल्या वंदा हाने असा तकलीफ में असा पाजी खुशियन में खुशी इनके किए मलायो या खुशियन में किए शामिल थियो त एरन मान के किए शामिल के जी
उनके की उन दुख में कड़ी असा पान दा गद बैठी हलूं तो वे भी असा दा गद खुशियन में शामिल थे। असल में डॉक्टर साहब हन किस्म जे के मरीज आ ने जे के मायूसी में होंदा उनन के मजो के को नींदो आ ना गैदरिंग गैदरिंग में नहीं दो तो हन लाए अवॉइड करदा न तो जे के घर जा मेंबर आ ने घर जा अफराद आ ने जिनन के खबर आ ते ही हन वक्त के बीमारी में हली रयो आ यानी के मायूसी आ है घर जी जे के मेंबर आ उनन जी पहली प्रायोरिटी ओ मानु आ है जेको मायूसी में आ है सही आ सबरन का पहरी घर के हर फर्द के पांजे लिहाज से कोशिश करनी है कि उनके जिंदगी की तरफ वापस वठी अचणो आ सही उनमें ही आया तो जरूरी ना है तो ता उनके फोर्सली चो तो बाबा ना हेले हलणो आ ता के हलणो आ ना ता उन सा गड वेहो थोड़ी देर उनके चो ता हलू ता 2-3 मिनट वेहंदास अगर मजो ना आयो ता सा मोटी इंदास ठीक है ना हने में हो भी रिलैक्स फील कंदो आ उनके भी फोर्स कोन कयो विंदो आ पर हो ता सा गड वनी सके तो जैसे उतने मू तर वे तो कोशिश कर तो उन इलनेस मसाइल डिस्कस नहीं अक्सर ही होंगे अगर कें खबर आए तो कोई बीमारी में हली रो तो जैसे हूँ कें गैदरिंग में वो तो सब मू उ सवाल कह उन्हें छो तो वो चाहे सुनो माहौल खे एक चेंज एटमोसफेयर खे ना उनके वो मिल को जैसे उतने वही उनके वही उन इलनेस के मुताबिक क्वेश्चनिंग थी तो चवंदा तो बाबा अड़े माहौल में वन जरूरत ही ना है तो इन तरीके से अस उन वापस उन गैदरिंग्स में इन्वॉल्व कर सूँ ताड़ो पॉजिटिव व्यू तो भाई हाँ तुम सुठा था लगो पाया काफ़ी इम्प्रूव लगो था पाया तो उनके बो उन सेल्फ स्टीम के बधाई मजबूत पान पान के समझा पर ये असें सोचो जिके लफ्जन सा चेंज थन थियो लफ्ज वर्ड्स डाडी वैल्यू रखन वैल्यू रखन दा बिल्कुल रखन दा हालांकि चवंदा त लफ्जन जे असा त चई छले पर के असा के उन जे लिफ्ट माना लिफ्ट न कराए पर ना उन लफ्जन जी बडी वैल्यू आ उनन जी बडी अहमियत आ तने करे ईद जी जे खुशियन उनन में जे करे खुशी वारा सुठा लफ्जन त उनन सा मानु काफी बेहतर थिया काफी अच्छा एकरी गाल त ता जे दुख जी गाल आ जे ता जो त एकरो त ओ जो मरीज आ उन के असा बाहर कडी छौ उन सा सब उन के वठी छौ तो बेहतर एक ता ओ मानन जिन के को नुकसान पतो को घर में मानु गुजारे वया या को तकलीफ ओ भी न था शामिल थिया असा मानु त उनन के की वठी छी उनन जो को इलाज जो तरीको उन सा भी गाल आ जे असल में ही आए त जने जिनन जी रिसेंटली के घर में खुदा ना खासता कोई एड़ो हादसो आयो आ जो फैमिली जो करीबी रिश्तेदार उनको दुनिया में वो आ तो उनको ये तो नव महीने जो होंगे फेस हों जैसे ग्रीफ रिएक्शन चबो नव महीन में रहो ग्रीफ रिएक्शन उनमें हों अस कोशिश करनी होंगी थ्री स्टेजिस हूँ उनका सही है असेंगे कोशिश ही करनी होंगी हर स्टेज में उन घर जो मेंबर आन या जो घर जहाँ अफराद आन उनके बाहर कड़णो तो सेकेंड स्टेज होंगी छह महीन ती हूँ असें कोशिश ही करो हों स्टेज में तो जो घरवारा हूँ उनके याद इंदा महरूम जो आवाज़ू इंदून उन्हें कपड़ा को ऐसी सन उन बारे में डिस्कस अड़े मान सा गड जितरा भी रिलेटिव आन या दोस्त आन कोशिश कन वन उन घर कोशिश कन तो महरूम गुजरी वो उनको डिस्कस करें तो ये जो गुजरी वो उनके बारे में डिस्कस क्या तो उनकी वेंटिलेशन थी तो मतलब ता समझो ता जितरी ता काउंसलिंग कंदो इतरे में ओ मानो उन वापस अचन कंदा कोशिश कंदा असा भी दुनिया सा गद खुशन में शामिल तो ही तो दिसो अल्लाह जी तरफा है ठीक है ता या मुझे हाथ में के जे बात में कोने के जे जको हलियो वे वो वापस तो कोन तो अची सके पर असा सुठे नमूने से जिंदगी उनन के तो गुजारने जो मौको दे सकू जे के मौजूद है मौजूद है बिल्कुल डॉक्टर साहब इनके अजा अगते बताएदा सी ता अजा असा पेंजी खुशन की के बेहतर करियो या अजा पेंजी जिंदगी के बेहतर की गुजारियो पर वक्त ओकड़े नरे वक्त जो नाजरीन वठंदा एकड़ो नरे वक्त वेलकम बैक नाजरीन अच्छा पाँच गाल सिलसिलो बीहर पे मेहमान से शुरू कर अच्छा अडा सब खुशन जो ढी जैसे ईद होंगी तो अस फर्क ए वीछा सब विसारे उन खुशी में शामिल थे सब गरीब अमीर वा ना तो सभी अस शामिल करूँ सब शामिल हो कें पहुंचना है पर उन मदद कजे तो जो उ भी असा शामिल हो शामिल अस ही कर सकूँ था तो जो असें घर के लिए खर्च क्यों था पाया ड्रेसिस में या कपड़न में तो उनको एकड़ो हिस्सो के मुस्तहक के दई छो जबरदस्त ठीक है ना उनमें छो तो टे हिस्सा अगर तेजे इस्तेमाल करो हिस्सो होने तो वे तो उनमें तहजी दिल के भी खुशी मिली अल्लाह के भी खुशी मिली उन गड़ गड़ जो एक पूरी फैमिली सुठे नमूने से ईद के गुजारे सी
बो ही तो ये भी अस ईद हर मू फितरो ो कढ़ तो कोशिश करें तो जिके नीडिंग है मतलब जिके जिन्हें की जरूरत आहे उन्हें के दे उन्हें सही अदा जो चवन तो एड़ा मानु जिन वट कुछ ही ना कुछ भी ना है कोई वसाइल ना है उन्हें के ज्यादा याद कयो वने उन्हें के याद कयो वने गरीबन के शामिल कयो वने उन्हें जी मदद कयो मां दिठो आ जेको कराची माशाल्लाह एतरो वडो बनन कवामी शहर है तेते इफ्तार जे वक्त में माशाल्लाह केडी सुठी सुठी हुंदी आ तो इंतजाम कयो वने बिल्कुल तो हर गरीब अमीर हते इफ्तार करे वठंदो आ पर गोठन में मानु डाडा सफर ता कन कोशिश ही कजे जेको असा जो गोठा या तहा जो गोठा है जेके असा गोठन के बिलोंग जते भी जेके आयो उते उनन जी मदद कजे असा उनन जी थोड़ी घणी फेवर जरूर करन खपे उनन के याद रख जे उनन के याद चवंदा ने ईद बारन जी हुंदी आ बारन के की शामिल कजे बारन जी असल में ईद हुंदी आ आई हाने तो वरन जी भी आए हां बिल्कुल हाने तहा वनो तो शॉपिंग मॉल में घणा तहा के वडई नजर इंदा बार बेचारा तो घणो कर तहा के सिंध बाद में ही नजर इंदा सही आ तो ही आए तो उनन के ही आए तहा गैदरिंग रख जो बारन जी उन में खुश थी इंदान पार्क्स में वनन में जो प्लेलैंड वनन में हनन में खुशी महसूस कंदान बारन जी खुशी तो हमेशा इन शहर में है पर हिकड़ी असा के याद रखनी गाल तो इनन दीहन में बारन के ट्रेन करन जो डाडो सुठो मौको होंदो आ तो उनन के तहा के की वदन सा गड उनन के विहारणो आ या किथे वनन जो मौको जो कोई आ है ते के ट्रेनिंग सुठी करे सको ता प्यार सा करे सको ता ये सब शय सिखाई सिखाई सको ता छो ते हन में ही बारन जो कॉन्फिडेंस बिल्ड थिंदो आ इनन दीहन में जैसे हूँ कें बे घर वेंदान कें वडे के मिलंदान ये भी चवंदान तो शुरू जो पंज साल जी ट्रेनिंग है माँ के हथा या पी के हथा वह तमाम बेहतरीन ट्रेनिंग है तो जे बार वक्त एज में आन या थोड़ा वडा भी आन तो उन्होंने कोशिश करें तो इन डी में तहजीब जमाम तकाजा सिखा सको छो तो इन्हें जो कह अगले ईद तीन याद रखा बिहाफ से तक रिवॉर्ड दियो अगर इन इतने टे चार घर में वही सुठे नमूने से एटीट्यूड पाँच रखन था सुठे नमूने से बर्ताव कंदा तो उनमें अगर उनके गिफ्ट मिले तो अगली ती मेंटेन रखा इन बिहेवियर के इो एक सुठो पॉजिटिव व्यू थी सके तो ईद के बारन के लिए सुठे नमूने से अच्छा सवाल एज अ सेक्रेटरी तो जी मूँ तुझे मुझे ख्याल सजे पाकिस्तान में या साउथ एशिया में तकरीबन 80% 90% मूँ डिप्रेशन में भले वो वा हुआ अमीर हुए गरीब हुन डिप्रेशन में जरूर रहन कें कें मसले में उलझल है को प्रॉब्लम है जितो वो अमीर मानो तब उन मसलो है गरीब तब उन तो अल्लाह तला चे तो सब बराबर आयो मुझे भरोसा रखो माई सब कुछ तेनवार मुझे इबाद किया रोजा भी रखा तुझी खुशियों भी तो इन डिप्रेशन में अस कि निकली अचूँ तो जो असि खुशियों अंजा बेहतर थी डिप्रेशन में निकल जो तरीको है गरीब हो अमीर हो हर के लिए है ऐसो हाँ। में जो चवंदा कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जिते तुम वो था कें थेरेपिस्ट वट उनके साइकोथेरेपिस्ट के चो था तो मुझे थेरेपी कर वा मू तो पे कंदा तो भाई मुझी कॉग्निशन के मुझी सोच के सही कर मुझी परेशानियों का मुझे कढ़ो मेडिसन है भी उनमें तीन डीहन में अगर कें जी मदद करता कें खुशी था दियो यकीन कर पान तमाम घो बेहतर फील कौ बो ही इन वक्त में घो कदर उन मानो जिनके मसायल में हली रहा ना कि पा एक एयरकंडीशन रूम में वेठा हुजूँ हर फैसिलिटी हुए उनके बावजूद भी मायूसी में हुजूँ तो ही गलत है हां जिन वट को फैसिलिटीज का है वो भी तो वक्त गुजारे उन के तो निशान कर जे तो मायूसी खत्म छन कर जे आई जे के मा उनन जे लाई भी चवंदी सा जे के इन वक्त फाइनेंशियली के मसायल में आहन या जिन जे लाई फैमिली में कुछ मसायल है तो हर वक्त एक जड़ो कोन रहंदो आ सही अगर अज मसायल आहन तो इन का पहली खुशियों भी हुयूं तो इनके दिसजे तो वो पॉजिटिव व्यू भी तो है ना एक पॉजिटिव ताला से दिनों हो ना तो इंशाल्लाह ही भी वक्त गुजरी वो पॉजिटिव ही थी बुरो छो छो सोचे अला कदें भी पांजे बंदे के जो एतरी तकलीफू ना दींदो जो उनकी बर्दाश्त का बाहर होजन सही है ना तो इन थोड़ा पांजे पान के पॉजिटिव व्यू में वी वन जैसे अस पॉजिटिविटी दिसंदासूं जैसे भी अस कें गाल बम कढ़ंदासूं तो बाबा ना ही जो है पोयां मुझे लाए बेहतरी ही हुई हाँ मैडम तुम गाल पे की जैसे भी असा के खुशियों में शामिल थे सभी के असा के पॉजिटिव सोचना पवन बेहतरी सोच होंगी तो असि खुशियां पर जो असा सिर्फ पैं जात ला खुशियों मिलाई असा जहन पॉजिटिव ना है या उनमें अना परसी तो वो खुशियों असा के सचू नी मिलन पर जो असा बे की मदद क्यों था तो उनमें असा के बधिक जो सो खुशी मिली थी पर उन बावजूद भी असा बेन की मदद ना करूँ वो असल में ही है ना तो असा दिमाग में गाल कड़ी होंगी मूसा गड़ो सुठो थो कें बे से गुठो क्या यो होंदो ना अक्सर मानु जे दिमाग मतलब असम या असम यो अनसर ना त असके माफ कर छियो बस माफी कोने माफी असमे कोन अची हाने तमाम घणो रिजर्व थी वयो ना त मोसा कर गलत थियो त मा भी के बेसा गलत कया
ये न हों दो इन्हें सब खुशियों नहीं दियो खुशियों नहीं दियो तो हाँ हिकड़ी के बे के तकलीफ पहुँचाए के लिए खुशी हासिल करे सब होता हिकड़ो गिल्टी पैदा थी दो तो हाँ अंदर तो भाई पछतावो पैदा थी दो तो माँ उनके तकलीफ नहीं तो ताँ के मजीद परेशान करे सके तो ये भी माँ तो ही सोचनी आया या हाँ सभी के ही सोचन खपे तो जो भी इंसान तक जो भी करे तो पो तो उनको अल्लाह वट सो हिसाब है तुम खाम खा में पे पान के छो खराब था कर इलास्टिक प्लास्टिक छो तो जोर से अच्छी लगन आजकल माशरो ये पर इनमें सुठा मानू भी वे भी हलन था पे दुनिया के उनसे घो कदर उनसे तो उनकी वजह से ही दुनिया कायम है बिल्कुल सही जाहिर है जैसे तुम बेहतरी कह तो उनकी खुशी बेहतरी बेहतर ही है जो मूल खराब कह उन खराब अच्छा डॉक्टर साहब ईद के हवाले से कुछ गाल थी पर खादन की भी गाल थी कुछ नजरअंदाज जो मूल ड्रग्स कह उन बारे में तक जान दिनी ढी जबरदस्त तुम ईद जो ढी कि मल्हा थोड़ा इन बारे में तो बुधा असल में मुझे लाए तो असा जी पूरी फैमिली सब खानदान गोठ पंजो हां पंजा घर तो यही खुशी है यही खुशी है पर जके मानो पंजे फैमिली सा या पंजे गोठन में ईद न था मलाई नन खुशी भी कोने जी होता है ये आए ना जी होता है बिल्कुल चलो जके नाराज गया है पंजे गोठ में न था वजन या पंजे मेटन मेटन न था वजन या के गरीब के नजरअंदाज कन तो उनन के भी खुशी नथी मिली रुको कपड़ा पाए सुठा घुमण सा खुशी त न मिलंदी ना कपड़ा पाए सा सिर्फ और सिर्फ पंजे पान के सेटिस्फाई कर सकूंदा दिल के ना दिल के ना इने करे पंजे फैमिली सा कर रहे हैं वही खुशी जो कोशिश ही कजन कर तो जिके भी असायो असल में आजकल असन छ कदाऊ तो बाहर ले मुल्क भजन जो डाडो होंदो आ ना तो असा के बाहर डाडो सुठो चाम तो मिले ही थी मिले ही पर होते ता के पंजा फैमिली मेंबर्स कोन मिलंदा बिल्कुल ता के पंजा मापी कोन मिलंदा भेण भाईर कोन मिलंदा घर जा रिलेटिव कोन मिलंदा ता ने गोठ जी मिठी कोन मिलंदी ये एडियो शेवान जो सडी उमर असन सगल रहंदियो आइन आइ कयामत तई रहंदियो तो पैसो ता जाहे कल कोने ईद जो डी है पर अज भी मान एक नाराजगी खत्म न क्यों को अड़ो तरीको तो को अड़ो इलाज है जो मानून पाँच अनापरस्ती नाराजगी छे खुशियन के बधाएं तहन में कोई अड़ो फार्मूलो है जहनी बीमार माहिर आयो तो अज भी मानू ना लंघे वन कें अज की डी भी ना वन छो तो नाराज आया मुझे अनापरस्ती में ना वन पे अनापरस्ती मू अज भी ना खत्म कन तो खुशियों जो उधन न थी जी तां इन जो इलाज है तो सभी मानू पंजी अनापरती गुस्सो कावड़ छड़ी खुशियन में शामिल थी जैसे डॉक्टर साहब जिको भी खानदान में फैमिली अगर है ना तो एकड़ो एड़ो मानू जरूर होंदो आ जिको तमाम सुलझल या तबीयत जो मानू होंदो आ जिको हर बर्दाश्त करे सके तो उहो हन दिहन में रोल प्ले करे सके तो उहो उनन सडन मानन के एक गद घुराए उनन सा गद गलहाए ते काफी रंजिश खत्म थी सकंदियो कि तहां भी समझो ता मां भी तो जिथे भी कोई ना कोई अगर सेटअप आए तो एकड़ो मानू एड़ो जरूर होंदो आ जेके सब उनकी इज्जत भी कंदा आ ना उन में तमाम घनी बर्दाश्त भी होंदी आ इन लाइ उनकी इज्जत कई वेंदी आ छो तो हर कें जो नेगेटिव पॉजिटिव व्यू सब बुधी वेंदो आ तो इन मानू जो इन वक्त तमाम घनो रोल आ तो सिर्फ पांजे लाइ ईद के महसूस न रखे बल्कि अगर उनकी नजर में अड़ा ही आहन मसाइल तो उन फोकस करें उनके इन दिन में सॉल्व करें यो तरीको थी सके तो डाडो जबरदस्त डॉक्टर कुलसुम असा ईद जी खुशियन सा गरुगर जके असा जी पंजो जाती जके अनापरस्ती गुस्सो या जके भी खुशी में असा के रुकावट वजन उनन ते भी असा जी गलायो थोड़े नमूने सा असा केडी केडी नंडी नंडी गलती तो करी जे में असा जी खुशी अजा तमाम घटी थी वजन बल्कि असा वो गलती जे खत्म करे तो खुशी असा जी बेहतर थी सके थी डाडो साहब टाइम खत्म थी पैगाम छा हुंदो मैसेज छा हुंदो आज जी डी जे हवाले सा आज जी डी जे लाए तो सबन का पहली मां पाने सारे दोस्तन के पंजे रिलेटिव्स के आई काजी मन जे मुजे जके स्टाफ आन जिके मुखे इज्जत दींदा या मोहब्बत कंदा उहे जेपीएमसी जा आई जिके मुझे कलीग्स आइन सबन के ईद मुबारक सबन का पहरी उन सा अगर गड अगर मुसा कोई गलती थी आए इनन डीहन में या इन पूरे साल में तो माफ कन मुखे छो तो मुखे खबर ना ते मुझे कोई भी रवैयो के तकलीफ दे सके तो बियो ही तो जिके जिथे आइन कोशिश कन तो खुश हो जन आई अस ला भी दुआ कें तो असा भी खुश हूँ वही मेहरबानी डॉक्टर कुलसुम तुम्हारे वही मेहरबानी नाजरीन डॉक्टर कुलसुम असर भी जो असा ईद के खुशियन के बारे में जान दे खाधन पीतन के बारे में भी जान दई तो दवा के भी न विसारियो खाधे पीते जो भी एहतियात कर पर ढी जबरदस्त गाल कई तो कावड़ गुस्सो अनापरतन के सभी के छड़े दिन इन गलतियों के छड़े दियो पा हली वो पा वही खुशियन में शामिल थो ए बन के गरीबन के या जी नौदार या जी मिट माइटन उन्होंने पा सा शामिल कर जैसे असा इन गाल अमल कर बेहतरी यहाँ है तो अस बर्दाश्त भी क्यों
बेन के बुधूँ पे बेन के समझूँ पे उन खुशियन में शामिल थे बेन के पैं खुशियन में शामिल करूँ तो ये दी खुशी अजा बेहतर थी सके थी डा सब जन गाल संभाल किया बेहतर सुी जिंदगी गुजारे सूँ आखिर में मुझे तरफा एक दफो बीहर तुम सभी के ईद मुबारक मुझी सी सिन टीवी की टीम के तरफा भी तुम सभी के ईद मुबारक तुम सदाई खुश रहो ए खुशियन में बेन के भी शामिल करो उन प्रोग्राम लाइव लाइन जो वक्त पूरा थे मेज़बान डॉक्टर वाहिद बशमौर के इजाज़त दींदा अल्लाह हाफिज़।